अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो 10 दिन से मेरे ऊपर एक गंदगी उछाली जा रही थी, एलिगेशन लगाई जा रही थी कि रुमैसा खान की लीक वीडियो वायरल हो गई है भाई, और उस बिना किसी प्रूफ के 10 सेकंड की वीडियो लगा के उसके ऊपर लिख दिया रुमैसा बाजी WTF, और सबने मान लिया कि ये रुमैसा है विदाउट एनी प्रूफ। आप लोगों ने तोहमत लगा दी, इज्जत खराब करने में आप सब आगे थे। अब मैं बता दूं कि मैं 10 दिन से क्यों चुप थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बहुत दिल था कि मैं आके लोगों को बताऊं कि यार ये मैं नहीं हूं, लेकिन आप लोगों ने नहीं मानना था। तो मैंने सब्र से काम लिया, मैंने प्रूफ का वेट किया कि मुझे प्रूफ मिले तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और प्रूफ ये कि ये वीडियो 2018 नवंबर में पोस्ट की गई थी, जो कि एक कोलंबियन एक्ट्रेस की है जिसकी शक्ल शायद बिल्कुल थोड़ी बहुत मुझसे मिलती है, और उसका नाम मैंने अपने कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। उस लड़का जो लड़का था उसका भी मेंशन कर दिया है। मैंने ये वीडियो 10 सेकंड की नहीं 2.5 मिनट की है। किसी को देखना है, किसी को यकीन नहीं आ रहा तो वो इस लड़की का नाम गूगल पे लिखे और लिखकर सर्च कर ले, उसको लीक वीडियो इसकी मिल जाएगी और आप देख सकते हैं कि वो लड़की मैं नहीं हूं और वो लड़का मुझे नहीं पता कोई बाहर का है। तो बस इस प्रूफ का मैं वेट कर रही थी कि मैं आप लोगों तक बता सकूं, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि विदाउट एनी प्रूफ मेरे ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, मुझे गंदे गंदे मैसेज आए गए, मुझे थ्रेट किया गया, मुझे एक मेंटली डिस्टर्ब किया गया। लेकिन मैं स्ट्रांग थी क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे दिल में एक तसल्ली थी कि ये मैं नहीं हूं। मेरी मम्मा मेरे साथ थी, मेरे अब्बा मेरे साथ है जो कि यहां नहीं है, लेकिन मां मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मैं स्ट्रांग रही। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आप लोग पता है आप लोग किसी की जान भी ले सकते हैं, कोई सुसाइड कर सकता था, सेल्फ हार्म हो सकता था। विदाउट एनी प्रूफ आप लोगों ने इज्जत उछालने की कोशिश की, लेकिन मैं चुप रही सिर्फ ये सोचते हो कि ये लड़की मैं नहीं हूं। ऐसा सबर कर ले, थोड़ा वेट कर ले, यू विल नो कि कौन है, आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। बस यही बात थी, और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा अच्छा कंटेंट बनाया, साफ कंटेंट बनाया, कॉमेडी कंटेंट बनाया। आप लोग हमेशा हंसाने की कोशिश किया ना, वेरी डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान में हमें इन रिटर्न ये मिलता है। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि तोहमत लगाना छोड़ दें प्लीज। आप किसी की इज्जत देने वाला, इज्जत लेने वाला अल्लाह ताला है, आप नहीं है, ठीक है जी। तो ये सब काम छोड़ दें, वो तो शुक्र है मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा भाई सब मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, और मेरे फैंस जो मुझे डिफेंड कर रहे थे, मैं उनको बहुत थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डिफेंडिंग मी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट और बिलीव किया। और फिर से कहूंगी कि मैंने नाम नीचे मेंशन कर दिया, जाके देख लीजिए वीडियो ताकि आपके दिमाग की गंदगी निकल जाए। और प्लीज खुदा का वास्ता किसी के साथ ऐसा ना करें। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहती, और लेट्स जस्ट एंड दिस केस।